अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोट वाइज विद आरपी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे फोटोग्राफी वेबसाइट बहुत इजीली कैसे बना सकते हैं, वो भी बिगनर लेवल की, और वो भी बहुत आसान और स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं आप वो, तो हाउ टू बिल्ड अ फोटोग्राफी वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं वो बहुत ईजी से आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे कैसी है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम खींचता नहीं हूँ, उसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना है, तो आपको मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं कुछ भी डालूंगा तो आपको आती रहेगी। और आपने मेरी गूगल मैप वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, ये देख सकते हैं, आपने मेरी गूगल मैप वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। ऐसे ही हर वीडियो पे दिखाते रहें और मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं। आप लोग से कोई सब्सक्राइब नहीं करता, डायरेक्ट चला जाता है, प्लीज सब्सक्राइब भी करो। तो मैं आपका टाइम खींचता नहीं हूँ, लेट बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले से ही इसकी फाइल खोल के रखी है और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं ये बनाने जा रहा हूँ, लेकिन तस्वीर है वो अलग होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे जा ले जाता हूँ, अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चला जाता हूँ, अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं इजीली से, तो ये मेरा काम का है नहीं, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ से मैंने हटा दिया, रिफ्रेश किया, अब कुछ रहेगा भी नहीं है। अब मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अब सबसे पहले हम index.html की फाइल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम html लिख देंगे index.html की फाइल में और टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद यहाँ पे index.html लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको बदल देता हूँ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया फोटोग्राफी वेबसाइट, सेव किया मैंने, अब रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमने देखा हाँ फोटोग्राफी वेबसाइट लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा style.css में, क्योंकि सबसे पहली मेरी जो पॉइंट है वो है इमेज। सबसे पहले मैं इमेज लगाऊंगा। अब इमेज लगाने के लिए सबसे पहले मैं ये 8 और फिर यहाँ से एंटर दबा के लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। मैंने जो इमेज ली है वो आपको मैंने लिंक में दी हुई होगी, आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अच्छी हो तो आप अपनी भी यूज कर सकते हैं, मेरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बिगनर लिहाज से कह रहा हूँ। ओके, अब मेरी पिक्चर तो ये है, मुझे मैंने ये ली थी। अब मैं इजिली से मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर का मैं ये जो इसकी वाली पिक्चर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो पिक्चर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटो। अब फोटो लिखने के बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आर एल। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया photo.jpg, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया तो मेरी पिक्चर क्यों नहीं आई। अब मैं देख लेता हूँ मेरी पिक्चर, तो मैं सेव करता हूँ। अब आई विल चेक इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो हियर jpg में, इसका नाम है फोटो, मैं फोटो नहीं देता इधर, मैं दे देता हूँ लाइक फोटो 1। सो नाउ आई विल चेक तो 1, सेव इट, रिफ्रेश, सॉरी हियर आई विल ऑल्सो सेव इट देन रिफ्रेश, सो इट इज नॉट कम बिकॉज आई विल नॉट लिंक हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लिंक टू द style.css, then save it here for, and then save to the hair, then refresh, so my picture is come here, you can see it, then my picture is come, but because I will not link it. And now here I will go and here I will write background attachment should be quick, set, save it, refresh, then so I will 2 times t and save it, then work. And here I will go, here I will write background position should be, no, background position is not here, I will write background size should be cover background
repeat, should be no repeat, save it, refresh, so you can see my picture is fit. And now here I will go, and here I will write H1, and now my H1 should be photographic website. Here I will go, then work, and now pair up, then save it, then refresh it. So you will come here, you can see it, photography website, and then work. And here, first of all, here I will go. So I will give my paragraph. आपको चाहिए तो आप paragraph दे सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप दे, आपको देना है तो दे सकते हैं. ये जो मैंने H1 का लिखा वो भी आप change कर सकते हैं. मैंने photography लिख दिया, आप कुछ और लिख सकते हैं. अब मैंने paragraph बना देता हूँ. अब paragraph बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this camera is not good. अब मैं br tag लगा देता हूँ, not good for picture of anywhere. सेव किया मैंने, अब रिफ्रेश किया, अभी मैंने कर दिया. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत बहुत बार मैं br tag लगा देता. अब मैंने आशीष को कॉपी किया. अब मैं जरा br tag ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए. अब मैंने सेव किया, अब रिफ्रेश किया, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. लेकिन इनमें तो मैं br tag हटा देता हूँ. अब रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे ठीक लग रहा है बिल्कुल. अब मैं जाता हूँ स्टाइल दो css में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ font family, font family should be more serious, sheriff. सेव किया, रिफ्रेश किया, अब हमारा हो गया. अब मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, FF कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश करा, अभी हमारा कलर भी हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ. और फिर H1 लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, हाँ फिर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज शुड बी 50 पिक्सल. सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है 50 पिक्सल. अब पैराग्राफ जो है हमारा, उसको हम फॉन्ट साइज शुड बी 15 पिक्सल. सेव किया, रिफ्रेश किया, 15 पिक्सल इतनी खास है नहीं. 30 पिक्सल. सेव किया, रिफ्रेश किया, बहुत ज़्यादा हो गई है. तो हम 20 करके देखते हैं, 20 इज बेटर. सो इधर मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर दे देता हूँ, उतना अच्छा नहीं लग रहा है. 0 0 0. सेव किया, अब रिफ्रेश किया, अब भी ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इस कर देता हूँ रेड. अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अब हम यही कर देते हैं रेड कलर. अब आई होप यू कैन एंजॉय दिस क्लास. ये एंजॉय, ये मैंने वीडियो बना आपके लिए बनाई थी फोटोग्राफी वेबसाइट बिगनर लेवल के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है. फोटोग्राफी वेबसाइट दिस कैमरा इज नॉट गुड फॉर पिक्चर ऑफ एनीवेयर, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया. ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मुताबिक से, आप जो चाहें आप कुछ लिख सकते हैं. और आपने देख लिया है, ये मैंने बना लिया है ईजिली से फोटोग्राफी वेबसाइट, वो भी HTML और CSS में. और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी. पसंद आई वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब करें बगैर ही चले जाते हैं, यार सब्सक्राइब तो करो यार प्लीज़ यार. So for today, good.